हम इस वक्त हैं जॉर्जटाउन गयाना प्रोविडेंस स्टेडियम, जहां पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का बड़ा सेमीफाइनल होने वाला है। रोहित शर्मा की प्री मैच कॉन्फ्रेंस भी थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे बात की। सबसे पहला जो मुद्दा था वो ये था कि ये जो सेमीफाइनल है ये 2022 का रिपीट है। T20 वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का सेमीफाइनल था, जिसमें इंडिया 10 विकेटों से हारा था। तो कहीं ना कहीं फियर ऑफ फेलियर की बात की गई थी, जिसमें रोहित से पूछा गया। उन्होंने बोला कि कभी कभी हम अनलकी भी हो जाते हैं, कभी कभी इंडियन टीम अनलकी हो जाती है नॉकआउट स्टेजेस में, लेकिन जहां तक इस मैच की बात है तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। उन्होंने बोला जैसा भी सिचुएशन हो, जो भी कंडीशन हो, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। बारिश हो बारिश ना हो, प्लान ए प्लान बी सारे प्लान्स रेडी हैं भारतीय टीम के लिए। उन्होंने ओवरऑल भी बात की कि क्या विराट कोहली और ऋषभ पंत का एक टेम्पलेट में खेलना चिंता का विषय। उन्होंने बोला कि हम एक स्मार्ट क्रिकेट टीम हैं, हम अपने प्लेयर्स पे विश्वास रखते हैं और हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि जब वो ग्राउंड में हैं तो वो अच्छे रिलायबल डिसीजंस लेंगे। रोहित शर्मा से ये भी बात पूछी गई कि इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था उसमें सबसे बड़ा टेक अवे क्या था। तो रोहित शर्मा ने ऐसा जवाब दिया जिससे पूरा प्रेस बॉक्स जो था वो हंसने लग गया। और वो जवाब ये था कि ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट में नहीं रही, तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम ने जो ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट किया टूर्नामेंट में से, उसकी एक खुशी जो थी वो शायद रोहित शर्मा जाहिर कर रहे थे। लेकिन बहुत एक एक्साइटिंग मैच की उम्मीद है ये, बहुत उम्मीद की जा रही है कि भारत ये रिजल्ट बदलेगा जो 2022 में हुआ था, क्योंकि जो पूरा देश है वो भारतीय टीम के पीछे है। बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस हम जिसको कहते हैं, क्या रोहित शर्मा को वो पता है? बिल्कुल पता है। उन्होंने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम सबको पता है ये सेमीफाइनल मैच है, हम सब जानते हैं सेमीफाइनल का क्या प्रेशर होता है, लेकिन हम इसके बारे में बार बार बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है क्या है, कैसे खेलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बार बार बात करने से उन चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके अलावा भी रोहित शर्मा ने काफ़ी सारी जो हैं वो बातें अपनी प्री मैच कॉन्फ्रेंस में की, और उससे एक अंदाज़ा ये लगता है कि जो इंडियन टीम है जिस हिसाब से एक डोमिनेटिंग टूर्नामेंट उन्होंने खेला है, चाहे आप ग्रुप स्टेज की बात करो जब उन्होंने टॉप किया, या आप सुपर एट स्टेज की बात करो जिसमें उन्होंने फिर से टॉप किया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैच था उनके लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टूर्नामेंट भारतीय टीम के लिए रहा है। और जैसा मैंने बोला, इंडिया में सब उम्मीद कर रहे हैं कि एक जो 2023 की चुभन है, वो जो हार्ट ब्रेक है, उसको ये इंडियन टीम बदले। इंडियन टीम हालांकि इस वक्त सिर्फ सेमीफाइनल के बारे में सोच रही है, वो फाइनल या ट्रॉफी उठाने के बारे में नहीं सोच रही है। वो इस बारे में नहीं सोच रही है कि जो MS धोनी ने 2007 में किया था, क्या वो दोबारा वो चीज़ कर सकते हैं। रोहित शर्मा इस वक्त सिर्फ इंग्लैंड के बारे में सोच रहे हैं, इंग्लैंड को हराने के बारे में सोच रहे हैं, और एक बार जब वो हो जाएगा तब फाइनल के बारे में सोचा जाएगा, जो कि बारबाडोस में 29 जून को 8 बजे खेला जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैच है भारतीय टीम के लिए, फाइनल्स में पहुंचने की टिकट है ये मैच हमारे लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो पूरी टीम है वो एकजुट होकर खेले। रोहित शर्मा से मिस्ट्री स्पिनर्स जो वो लेकर आए थे 4, उन्होंने प्री मैच डिपार्चर कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो सीक्रेट में वेस्टइंडीज़ में बताऊँगा। आज वो सीक्रेट में उन्होंने खोल दिया और उन्होंने कहा कोई सीक्रेट नहीं है, सब लेकर आए हैं स्पिनर, सब लेकर आए हैं फास्ट बॉलर्स, तो ये सवाल मत पूछो। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा थोड़े चिल्ड आउट मूड में भी थे प्री मैच कॉन्फ्रेंस में, अच्छे से सब चीज़ों का जवाब दे रहे थे, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन ऑब्वियसली ये लोग इतने टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको एक आदत होती है प्रेशर हैंडल करने की। सब जानते हैं 2023 में जो हुआ वो इंडियन टीम के लिए भी बहुत भारी था कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब करना। तो उम्मीद की जाएगी कि ये जो अब चीज़ें हो रही हैं, भारतीय टीम इतना अच्छा खेल रही है, वो उसी मोमेंटम को जो है कैरी ऑन करते रहें। जो पूरी टीम है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, हार्दिक पांडे हमने देखा कितना अच्छा खेल रहे हैं, डेथ बॉलिंग हमारी, फास्ट बॉलर्स हमारे बहुत बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ, वो जो हम कहते हैं इट शुड फॉल इन टू प्लेस, वो होना चाहिए। और भारतीय टीम तैयार लग रही है बड़े सेमीफाइनल के लिए। करिश्मा सिंह, गयाना, टाइम्स नाउ।